हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आंगन पब्लिक स्कूल। एंड टुडे वी विल स्टडी ऑफ गुजराती, गुजराती प्राइमर। नाउ स्टूडेंट्स, सेमेस्टर टू में आज से हमारा जो गुजराती का ये फर्स्ट लेक्चर है, ओके। सो नाउ इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर टू का फर्स्ट लेसन। ना स्टूडेंट, सेमिस्टर टू का जो हमारा फर्स्ट लेसन है इसमें, ओके, उसका नेम है हस्ता रमता एंड यूनिट नंबर 9, ओके। चैप्टर नंबर 9 है हमारा हस्ता रमता, ओके। तो देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक पोयम दी हुई है एंड नाउ पिक्चर बेस्ड है ये। सो आपको क्या करना है यहाँ पर, मम्मी पप्पा ना मदद लई कविता गाओ अने रंगीन अक्षरों फरीथी वाचो। रीड द पोयम विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आपको आपके पेरेंट्स की हेल्प से ये जो पोयम दी हुई है वो गानी है, ओके। बट अभी पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टूडेंट्स, ओके। सो इसमें फर्स्ट लाइन है, अमे झरना तीरे जाता, अमे हंसता रमता गाता, पानी पीता हरणा। जैसे जैसे ये पोयम है स्टूडेंट, वैसे वैसे आप पोयम के साइड में दोनों साइड आप देख सकते हो, यहाँ पर जो पिक्चर्स दिए हुए हैं, ओके, आप देखो कि वो पिक्चर से एकदम मैच खाते हैं, ओके। नाव हमें हंसता रमता गाता पानी पीता हरणा, आप देखो यहाँ पिक्चर में दिया है पानी पीता हरणा। फर्स्ट है हमें झरना तीरे जाता, नाव हमें हंसता रमता गाता, नाव उसके बाद है पानी पीता हरणा, ओके। देन घास चढ़ता ससला भागे हरणना टोड़ा, बीए ससला भोड़ा, हमें हरता फरता जाता, हमें हंसता रमता गाता, वेंगता पाका बोरा, ओके, वैंची खाता छोरा, हमें रमता भमता खाता, हमें हंसता रमता गाता, ओके। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये जो पोयम है पूरी की पूरी ये पिक्चर बेस्ड है, ओके। ना अब उस पर देख सकते हो, उसके बाद आप कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं। ना एक्सरसाइज नंबर 2, नीचे ना प्रश्नों ना एक शब्द माँ उत्तर आपो, ओके। मीन्स स्टूडेंट्स, ये ओरल ही हैं, ओके, मौखिक हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड ईच, ओके, यानी आपको ये वन वर्ड में राइट करने हैं। तो फर्स्ट है पानी कौन पिए छे, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पानी कौन पिए छे, पिक्चर में आप देख सकते हो पानी हरणा पिए छे। एंड नाव यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ओके, कि पानी कौन पिए छे, तो पानी हरणा पिए छे, पानी पीता हरणा, ओके। आप देखो यहाँ दिया हुआ है पानी पीता हरणा। देन उसके बाद है ससलू सू चरे छे, ओके। तो ससला सू चरे छे स्टूडेंट, तो ससला घास चरे छे, ओके। एंड नाव देखो यहाँ पर घास चरता ससला। कौना टोड़ा भागे छे, ओके, तो पिक्चर में देखो यहाँ पर हरणना टोड़ा भागे छे। कौन बीए छे, तो ससला। ससला स्वभाव केवा छे, तो भोड़ा। बीए ससला भोड़ा, इट मीन्स के वो स्वभाव में उनका जो नेचर है स्टूडेंट्स, वो भोड़ा यानी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, ओके। ना अब हम टर्न करेंगे पेज, उसके बाद नेक्स्ट देखो, छोकरा सो वीणे छे। तो हमने पोयम में देखा था ना स्टूडेंट्स के छोकरा बोर वीणे छे, पाका बोर वीणे छे, छोकरा केवी रीते बोर खाए छे, तो छोकरा हंसता अने रमता अने एक बीजाने वेंचीने यानी के शेयरिंग करके वो बोर खाते हैं, ओके। नाउ अभी यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 3, लखो, ओके। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखो जैसे मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ लिख के दिया है ना, सेम टू सेम आपको ऐसे राइट करना है। तो ये झ, ना उसके बाद आप यहाँ राइट करोगे ह, देन घ, उसके बाद आएगा अड़, ओके। तो आपको इस तरीके से ये राइट करना है। ना उसके बाद है नीचे नी काव्य पंक्तियों पूर्ण करो, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स, आपको क्या करना है, ये जो लाइन्स दी हैं इनको आपको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है अमे डैश तीरे जाता, तो क्या आएगा यहाँ पर, अमे झरना तीरे जाता। ना उसके बाद है अमे डैश रमता गाता, तो क्या आएगा, अमे हंसता रमता गाता। ये सारा का सारा आप देख सकते हो ये पोयम में से ही है स्टूडेंट्स, ओके। पानी पीता हरणा, घास डैश ससला, तो क्या आएगा, घास चरता ससला।
हमें पाछड़ डैश जाता, तो क्या आएगा, हमें पाछड़ पाछड़ जाता, हमें हंसता डैश, हमें डैश रमता डैश, तो क्या आएगा, हमें हंसता रमता गाता, भागे डैश ना टोड़ा, तो क्या आएगा, हरण ना टोड़ा, बीए ससला डैश, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, भोड़ा। ओके ना, अभी उसके बाद देखो वाचो अने लखो, रीड एंड राइट, नानू, ओके, जमू, तारू, काड़ू, सुघड़, नाचू, मारू, पीड़ू, मधुर, घूवड़, मोटू, खोटू, सारू, वणवू, दुकान। ओके, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये कॉपी राइटिंग है। ओके, वाचो अने लखो मीन्स होता है कॉपी राइटिंग, रीड एंड राइट, आपको इसको रीड करते जाना है एंड राइट करते जाना है, बट स्टूडेंट ये आप होमवर्क में करोगे। ओके, ना अब हम टर्न करेंगे पेज, एक्सरसाइज नंबर 6 है वहां पर, ना अभी आप देख सकते हो एक्सरसाइज नंबर 6, उसमें क्या है, नीचे आप लोग पकड़ो वाचो, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ दिया है स्टूडेंट, आपको इसको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। एंड नाउ फिर एक्सरसाइज नंबर 6 के बाद जस्ट नीचे एक्सरसाइज नंबर 7 है। ओके, तो जैसे जैसे आप पैरा अच्छे से रीड करोगे, उसको समझोगे, एंड नाउ तभी जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर आप ओरली बोल पाओगे। ओके, तो यहाँ पर देखो, नानू नानू झरणू, झरना नी पासे झाड़, झाड़ना मूड ऊंडा, पवन आवे के वरसाद, न पड़े झाड़, पवन थी न पड़े, वरसाद थी न पड़े, ठंडी के गर्मी में पण ऊभू रहे झाड़, झाड़ आपने छाँड़ो आपे, फल अने लाकड़ू पण आपे। ओके, तब आप देखो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो फर्स्ट है उसमें झरनू केवू छे। ओके, तो झरनू केवू छे, तो नानू नानू झरनू, झरनानी पासे सू छे, तो झरनानी पासे झाड़ छे, झाड़ना मूड केवा छे, तो झाड़ना मूड ऊंडा छे, झाड़ शाना थी ना पड़े, पवन अने वरसाद थी न पड़े, ठंडी के गर्मी में कौन उभू रहे, तो झाड़, कौन आपने छाँड़ो आपे, तो क्या आएगा, झाड़, छाँड़ा सिवाय झाड़ बीजू शू आपे छे, तो फल अने लाकड़ू। ओके, ना अभी उसके बाद नेक्स्ट देखो, 8 नंबर का है, कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। ओके, तो ब्रैकेट जो राइट ब्रैकेट है उसमें से चूज करके आपको राइट करना है। ओके, सो नाउ उसमें फर्स्ट नंबर है, डैश पानी पिए छे, तो कौन पानी पिए छे, तो नाउ आएगा हरणा पानी पिए छे, देन उसके बाद है डैश घास चरे छे, तो कौन घास चरे छे, पोयम में हमने देखा था ना, तो ससला घास चरे छे, डैश ना टोड़ा भागे छे, तो कौन है टोड़ा भागे छे, हरण ना, डैश स्वभावे भोड़ा छे, तो कौन स्वभावे भोड़ा छे, ससला, डैश बोर वीणे छे, तो कौन बोर वीणे छे, तो छोकरा पाका बोर वीणे छे। ना उसके बाद नेक्स्ट है, चित्रों ने तेना साचा शब्दों साथे जोड़ो, जॉइन द पिक्चर विद देयर करेक्ट वर्ड्स। ओके, आपको क्या करना है, इसको मैच करना है, कैसे मैच करोगे, पिक्चर को अच्छे से पहचानो, और यहाँ पर 3 वर्ड्स दिए हुए हैं उनको उनके साथ मैच करना है, तो अभी यहाँ पर पिक्चर है एंड देन यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन है, हरण हरणा अने झरना। ओके, सो स्टूडेंट्स ये तो क्लियर है कि ये झरना नहीं है, अब ये हरण है या हरणा वो आप कैसे फाइंड करोगे, तो ना सिंगल अगर होता ना स्टूडेंट्स तो हम हरण से मैच करते। ओके, बट यहाँ पर आप देखो ये सिंगल हरण नहीं है, यहाँ पर 3 है ये। ओके, तो आप क्या करोगे, इसको हरणा से मैच कर दोगे। नाउ नेक्स्ट है ससला छोकरा ससलो। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि क्लियर है कि ये छोकरा नहीं, अब ससला है कि ससलो, तो ससला ससलो में भी सेम आपको यही करना है कि सिंगुलर में नहीं है, आप देखो ये प्लूरल फॉर्म में है, बिकॉज ग्रुप जैसा है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 है, तो हम क्या राइट कर देंगे वहां पर, ससला। ओके, अगर 1 होता पिक्चर में, 1 ससला होता, 1 रैबिट होता, तो उसको ससलू से मैच करते, बट 1 से ज़्यादा है इसलिए हम ससला से मैच करेंगे। ना उसके बाद नेक्स्ट है,
छोकरा, ससला अने हरणा। ओके, अब ऑप्शन में यहाँ तीन दिए हैं तो यहाँ ये भी क्लियर है, ससला नहीं है और हरणा नहीं, तो ये क्या है? छोकरा। तो उसके साथ मैच कर देंगे हम। ओके नाउ उसके बाद आता है हमारा एक्सरसाइज नंबर 10। कौन से मात्र योग्य अक्षरों वाले शब्दों बना वो मेक वर्ड यूजिंग द प्रॉपर लेटर्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो उसमें फर्स्ट है पाम, तो क्या आएगा? अणी। ओके ना उसके बाद सेकंड है हर णा, तो जिसके नीचे जो राइट आंसर है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है। ओके ना उसके बाद थ्री नंबर टोड़ा। ओके देन उसके बाद आएगा भोड़ा। देन फाइव नंबर पर आएगा फरता। सिक्स नंबर पर आएगा घास। यहाँ देखो धा और घा दोनों दिया है, तो आप क्या करोगे? घास से मैच करोगे। देन सेवन नंबर पी और वी। ओके तो क्या आएगा? विघ्नता। नाउ एट नंबर में पाछड़, पाछड़। ओके तो आएगा अड़ पाछड़। देन उसके बाद ससला, तो ये वाला शो आएगा ससला। नाउ लास्ट में है तीर। ओके देन आफ्टर उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, 11 नंबर का एक्सरसाइज समान शब्दों जोड़ो। ओके आपको क्या करना है, यहाँ पर सिमिलर वर्ड को ज्वाइंट करना है। तो उंडा को उंडा के साथ, उबू को उबू के साथ, गर्मी को गर्मी के साथ, तीर को तीर के साथ, पाका को पाका के साथ। ओके तो इस तरह से हम सिमिलर वर्ड्स को स्टूडेंट ज्वाइंट कर देंगे। एंड नाउ उसके बाद आता है लास्ट। ओके ये एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस पर एरो किया गया है ना उसको आइडेंटिफाई करना है एंड नेम राइट करना है। तो ये जो फर्स्ट यहाँ पर एरो देख सकते हो, तो ये क्या है? पांदड़ू। ओके यानी लीव्स। नाव फड़। ओके देखो आप, ये मैंगोज दिख रहा है आपको, एक मैंगो दिख रहा है यहाँ पर इसमें, तो क्या है ये? फड़। फड़ यानी फ्रूट्स। नाव अभी ये है डाड़ी, जिसको हम ब्रांचेस बोलते हैं। एंड नाव देखो ये थर्ड। एंड लास्ट में है मूड। ओके तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर, इस तरह से हमारा आज का जो गुजराती का लेक्चर था स्टूडेंट्स, जिसमें हमने सेमेस्टर टू का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया। ओके एंड सेमेस्टर टू का हमारा फर्स्ट चैप्टर था आज का 9 नंबर का हस्तारंभ था। ओके नाउ पहले एक छोटी सी पोयम दी हुई थी। ओके नाउ वो मैंने एक्सप्लेन किया। देन उसके पोयम से बेस्ड नीचे कुछ ओरली क्वेश्चंस थे। ओके एंड नाउ उसी में ही एक छोटा सा पैरा दिया था, पैरा में भी सेम यही था कि पैरा बेस्ड ओरल क्वेश्चन थे। ओके स्टूडेंट्स सो नाउ हमने ये जो लेसन नंबर 9 कंप्लीट किया है स्टूडेंट्स, एंड मैंने इसमें जो आपको लखो मीन्स के जो कॉपी राइटिंग है, इसमें एक्सरसाइज नंबर 3 एंड एक्सरसाइज नंबर 5 ये आपको एज ए होमवर्क में राइट करना है। ओके ये वर्कबुक के अंदर ही। ओके स्टूडेंट्स सो ये है आपका होमवर्क। एंड नाउ इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट्स गुजराती का, ओके वो यहाँ पर ओवर होता है। ओके सो स्टूडेंट्स एवरीवन टेक केयर एंड गुड बाय।